शांति। आज 21 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा कहे उनकी खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज की मुरली का प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने, पहली बात, क्षमा जो है जैसे हैं उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। दूसरी बात, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरी बात, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी, ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना? बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास, बाबा कहे उसमें भी खास दीप माला होती है। जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती है, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती है, फिर जब यहां आते हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाते हैं। बाबा कहे यहाँ जब पाठ बजाने आते हैं तो फिर सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है, दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वह हसीन परमपिता परमात्मा, वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल की खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या
दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम बढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती है। हम शूद्र कुल में थी, फिर ब्राह्मण कुल में आई है। यह भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं ना। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि वह कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है, बाबा कहे, अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई, बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने, ये योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरी योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं, उनको तो अपना, बाबा कहे, उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती है।
यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहे यह सारी है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रिफर करना पड़ता है, बाप समझाते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शौकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए के हैं जो तुमको इतना शौकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे, अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होती है, यहां परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर आदि होते नहीं है, वहां है ही पूज्य, कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है, इनमें तुम बहुत कमाई करते हो, बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। बाबा कहे ये पुरुषार्थी शरीर इतना वैल्यूएबल है क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हम बहुत कमाई करते हैं, बेहद के बाप के साथ खाते पीते भी है, पुकारते भी उनको है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाओ, बाप को याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, कृष्ण के हम सब बालक हैं, कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है, बाबा को क्या कहते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी, कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रसम कहां से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है, मैंने ब्रह्मा बाबा के लिए, बाबा कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल, तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना,
बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहां लगता नहीं है। वह है नदियों का मेला, यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ। बाबा कितना नशे से कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्में बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश कर देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है, बुलाते भी है हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाए। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते हैं। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं, बाबा कहे वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालो का काल महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहां शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुखधाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही है श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। बाबा कहे अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं, तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो, तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है, आत्माओं के रूप में शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, फिर बाबा कहे पूज्य देवता के रूप में पूजा होती है, तो डबल रूप में पूजा हो गई, तो पूजा भी डबल, क्योंकि हम मालिक भी डबल बनते हैं। एक तो नई दुनिया के भी मालिक, तो पूरा ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, तो विश्व के भी मालिक बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल
सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूं, तुम्हारी कितनी सेवा करता। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर। बाबा क्या कहते, एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो। बाबा कहते, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा, हम गिर गए, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको हसीन बनाने आया हूं, अर्थात मैं तुम्हें इतना सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा भी बाबा कहे, दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो, साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है,
साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर के देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.